Hi, hello, and assalamu alaikum, and welcome to another episode of your favorite, I hope, The Couple Show. ओके सो भाई सीन कुछ ये है कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ. उसकी वजह ये है कि हम उम्र लोग जब आपको दिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार आज कुछ मज़ा आएगा. थोड़ा सा तो यू नो यू कैन इमेजिन कॉन्शियस हो जाते हैं हम जब उम्र से थोड़े बड़े लोग आते हैं. पर आज वो लोग आ रहे हैं जो टैलेंट में बहुत बड़े हैं पर उम्र में छोटे हैं, तो ये बहुत अच्छा है. उनके बारे में मैं क्या कहूँ. आई हैव रिसर्च फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई हैड टू इंटरव्यू इन दिस वेरी शो. पर ये वो हैं जिनका जब मैंने रिसर्च शुरू किया और इनका किया हुआ काम देखना शुरू किया, तो मेरे पूरे घर में रात को 3 बजे 4 बजे तक सुबह के मेरे हंसने की आवाज़ें गूंज रही थी. सैडली मुझे नहीं पता था कि ये इतने टैलेंटेड हैं. मैंने हल्का फुल्का ग्लिम्स देखा था, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि यार ये बंदा तो इसको तो दुनिया में रिकग्निशन मिलना चाहिए, बिकॉज इस किस्म का टैलेंट मैंने ना हमसाए मुल्क में देखा और ना सात समंदर पार किसी और मुल्क में इतना टैलेंटेड इंसान देखा. ऑन आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, इसमें मुझे बिल्कुल पैसे वैसे नहीं दिए हैं, मुझे सिर्फ आज टीवी ने पैसे दिए हैं, तो मैं सच बोल रहा हूँ. एंड दैट्स हाउ टैलेंटेड ही इज. और देखो मैं बेगमात को ये टाइम मेरे ख्याल से हमें भी देना चाहिए और खुद भी लेना चाहिए. सो प्लीज वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली माय वाइफ, द लव ऑफ माय लाइफ, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट अमेजिंग एंड द वन एंड ओनली हिना आगा. ये मैं कर चुका हूं, मेरी कॉपी करने की मुझे पता था. मुझे एक बात बताएं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप मेरी तारीफ करते करते थक गए हैं थोड़ा. मुझे आज वो एनर्जी नहीं दिखी है आपकी आवाज में. लव ऑफ माय लाइफ हिना आगा, मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोला है. मैंने कैसा बोला है, मैंने बताओ मुझे सही बोला. ये बात देखो सब गवाही दे रहे हैं. बट हमारे बारे में फिर बात शुरू हो जाएगी जो हम घर में भी जाके कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत जरूरी है उनके बारे में बात करना जो आ रहे हैं. और आप तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो उनको लेके, क्योंकि रात भर आगा ने जितना आगा की हंसी हमारे घर में गूंजी है. मुझे कहना पड़ रहा था कि अच्छा आगा बस ना यार. या, या, और आपको पता है ये जो जिनको देख के मैं इतना हंस रहा था, ये कोई मतलब सिर्फ ये वाला टैलेंट नहीं है, ये पढ़ाई में भाई साहब इंजीनियर हैं. आई नो, और पीएचडी में एनरोल भी हुआ है. जी मतलब पीएचडी भी मैं करूंगा और मैं एंटरटेन भी करूंगा. Exactly. और मैं ये सब भी करूंगा. तो टेल मी अबाउट द वाइफ. यस, इनकी जो बेगम है ये माशाल्लाह डॉक्टर हैं. उसके अलावा ये खुद कहती हैं कि मैं पक्की फेमिनिस्ट हूँ, जिसके बारे में बहुत सारी और बातें करेंगे. ब्लॉगिंग भी ये करती है, पेरेंटिंग के बारे में लिखती हैं. और उसके अलावा इनके शोहर का ये कहना है कि इनकी बीवी ने बहुत पेशेंस रखा है इनके एक्टिंग करियर को लेके. जिस तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए हैं, वर्किंग आवर्स हमारे बहुत टफ होते हैं, तो इनकी बीवी ने बहुत पेशेंस रखा. मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी टिप्स भी आज उनसे मिल सकती है. बिल्कुल मिलेंगी. और एक्टर्स की बीवियाँ वैसे ही पेशेंस रखना चाहिए उनको, क्योंकि ये भाई पेशेंस वाला ही काम है. कोई टाइम वाइम कोई कुछ नहीं होता है. तो वी हैव अ वेरी ऑड रूटीन एंड ही इज एन एक्टर, ही इज अ मिमिक्री आर्टिस्ट. आई थिंक ही इज वर्ल्ड क्लास व्हेन इट कम्स टू दैट. एंड इन्होंने तकरीबन 122 पर्सनालिटीज की फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल सोचो मिमिक किया है. सोचो इतने लोगों का मैं नाम याद नहीं रख सकता हूँ, जितने लोगों की भाई साहब आवाज याद कर लेता है. सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड लेट्स विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स कॉल ऑन स्टेज I think the most powerful when it comes to talent and think the most sorted because they're very sweet. Yeah. And unko dekh ke aisa lagta hai ki har couple ki jo frequency hai aisi honi chahiye. You get a very nice vibe from yeah. me. Please welcome on stage the one and only Shafaat Ali with and Dr. Rebecca. मतलब कसम से मुझे लग रहा है कि उम्र कितनी है आप लोगों की. उम्र सबसे पहले ये बताओ, उम्र खाऊ हो छुपाऊ हो या हो ही छोटे. अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कल शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं, अप्लाई करें.
गुम गया। दिस इज व्हाई आई सेड, देखो ये टैलेंट है, ये आज बड़े शो में बड़ा मजा आएगा। ये घर पे भी बिल्कुल यही एंटरटेनमेंट सेम, मतलब बात सुना, लोग कहते हैं ना कि जो टीवी पे होते हैं वो घर पे नहीं होते, ही सेम ऑल द टाइम 24/7, मतलब मुसलसल एंटरटेनमेंट, बेबुनियाद इल्जाम है घर में ऐसे, अनलेस यू अंटिल इनको माइग्रेन नाउ। अच्छा अच्छा, वैसे मुझे दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी उम्र में दोनों की शादी हो गई। बिल्कुल, मैं तो 12 साल का था, हमारे यहाँ बहुत जल्दी शादी हो जाती है, 12 बहुत ज्यादा छोटी, ये 18 साल की न्यूज़ का, तो मैं तो अच्छा हूं, 12 साल का था, 18 मेरे बचपन में शादियां नहीं होती, लीगल नहीं होती शादी, अच्छा ऐसे ही रहा कुछ। But I'm sure that you guys, I have to give a compliment to Bhavi, mashallah, you look like an actress, aapko kabhi, I'm sure, बैठ के बात करते हैं, ये बहुत ही, आओ, आओ, please, have a seat, बहुत सारी तालियां, शफाद and Rebecca, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज हमारे सेट पे दो यंगा यंग लोग आए हैं, बहुत शदीद वाले, रंगा रंग लोग तो आते रहते हैं, पर यंगा यंग लोग कभी कभी आते हैं, बहुत अच्छी इस्तेला आपने इस्तेमाल की, बड़ा मुतासर हूँ, आप मुझे इस वक्त एक बड़े अच्छे सूट में आफ्ताब इकबाल लग रहे हैं। आई थिंक ये होस्टिंग वाला जो एक वाइब है ये वो होगा, और बिल्कुल उसी की वजह से लग रहा है। आफ्ताब इकबाल से मुझे याद आया, बिफोर एनीथिंग एल्स, कल रात मैंने आपका एक और शो देखा, मैं आजकल ये बिंज वॉचिंग भाई के काम के ऊपर ही कर रहा हूँ मैं, और उसमें मैं बहुत ही, मैं भूल ना जाऊँ कहीं, वैसे मैं ये भूलूंगा भी नहीं, बट हमारे जो स्टेज एक्टर्स हैं स्पेशली पंजाब के, थे वेरी टफ टू यू नो कि आप उनको नहीं वो यू नो ओवरशैडो नहीं कर सकते, और आप वो जब अपने मजाक पे आते हैं तो बड़े बड़े चुप हो जाते हैं, पर ये भाई ने उनके दो बंदों को ना सिर्फ चुप कराया, वो एक्सप्रेशन बार बार क्लोजअप में दिखा रहे थे कि वो यूं थे कि यार ऐसा करिए कि ओ ये यूं यूं, और ये इतना अपने कैरेक्टर में माशाल्लाह यार, बहुत बहुत आला है, वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। देखिए मैं बताऊं आपको, इतने जब बड़े लोग सामने बैठे होते हैं ना जी, पॉसिबल नहीं है कि जब तक वो आपको फीड ना कर रहे हो आप कुछ कर पाए, बिल्कुल सही, बिकॉज यूं बंदा जो है ना अपना कॉन्फिडेंस खो जाता है अगर एक जुमला पड़ जाए, लेकिन उनका वो जो एक्सप्रेशन होता है ना बाजूकात, वो आपकी बात लेके आपको पॉज देते हैं, लोगों को लाफ्टर देते हैं, बिल्कुल ये चीज गेम को नेक्स्ट लेवल कर देते हैं, पर वो भी उनको ही जगह देते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जिनमें उनको दिखता है कि, वरना वो धो देते हैं, ये मैंने देखा है, because I've seen Pakistani dramas, lot stage dramas, मैंने बचपन में, मुझे बड़ा शौक था, पंजाबी हम तो तब थोड़े साफ भी होते थे, फिर कदरे स्टेज ड्रामे कुछ लोगों ने वल्गर भी कर दिए तो हमारा जाना बंद हो गया, लेकिन उस दौर में जो थोड़ा वीक आता था एक स्टैंड अप शुरू हो जाता था स्टेज पे, और वो बंदा अपना मतलब बस फिर तबाह होके जाता था सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली, पंजाबी स्टेज इज रूथलेस व्हेन इट कम्स टू कोई बंदा जो माड़ा आ जाए, माड़ा तो आप में समझ गए होंगे, माड़ा इज माड़ा, माड़ा इज मतलब थोड़ा हल्का कमजोर इस मामले में, कराची में बोले तो हल्का हल्का, अगर कोई हल्का हाथ आ जाए तो फिर उसके साथ बहुत भारी हाथ होता है, दैट इज ट्रू। काम के बारे में भी हम बात करते रहेंगे, दोनों से मुझे पूछना है कि दोनों पेशावर के रहने वाले हैं और एक या दो गली का फासला था, बिल्कुल, बिल्कुल। और आई थिंक किसी शादी में दोनों की और किसी शादी में मिले थे, वहां पर आई थिंक आपकी फैमिली ने कहा था कि रेबेका अच्छी है और यही बनेंगी इस घर की बहू, अरे भाई ये एक आप समझे बहुत ही पाकिस्तानी ड्रामे वाली कहानी लगी है, ये बहुत शदीद, वो कौन सी थी वो सलमान खान की माधुरी वाली स्टोरी है, इनकी कजन मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई की शादी हो रही थी तो उनकी शादी में इनको देखा, खानदान वालों ने कहा भाई ये बच्ची बहुत अच्छी है क्या ख्याल है, तो उन्होंने अम्मी से कहा, अम्मी ने मुझसे कहा, मैंने कहा बड़े नेक ख्याल है, तो उसके बाद ये नेक ख्याल आपके दिल में उससे पहले से कब से था, मुलाकात ही उसी में उसी शादी में, ये लोग बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइड तो नहीं, थोड़ा टाइम लगा, हो ही नहीं सकती ना साथ वाली गली में, आप कभी आपको पता ही ना हो कि साथ वाली गली के हालात मौसम कैसा है, ये कैसा हो सकता है, इट वाज़न्ट एग्जैक्टली साथ वाली गली, मतलब कुछ कपल ऑफ स्ट्रीट्स का डिफरेंस है, लेकिन लकीली ये लोग तब वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हुए थे, शादी से पहले ये लोग शिफ्ट नहीं थे, ये लोग रहते थे एक और जगह पे, बरसक कहते हैं उस जगह को, और हम लोग जहाँ पे रहते थे तब, जब शादी के दिनों में ये लोग मूव इन भी हो गए, वो फिर नेबर्स भी हो गए, और फिर लेकिन तो क्या ये कह सकते हैं कि दिस इज अरेंज मैरिज, it's an arranged love marriage, I would say it's a lovely arranged marriage, when people ask me I say it's a lovely arranged, that is so sweet, umda bahut umda, matlab begum ko bhi aapne begum pehle se kaam begum ko bhi kaam hai, very arranged hui, और फिर उसके बाद पहली क्या बात थी जो आपको रेबेका की अच्छी लगी और आपने भी अपने आप को रिकन्फर्म किया कि यार शी इज द वन, पहले तो मैं खूबसूरत बहुत थी बुनियादी तौर पर,
तो इंतहाई खूबसूरत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करके भाई अपना टैलेंट डिस्प्ले पे इसी तरह लाते रहेंगे। तो ये इंजीनियरिंग की डिग्री, तो मतलब माँ बाप का और आपका इनिशियल फैसला तो कुछ और हो चुका था कि बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा और फिर बिल्डिंगें बनाएगा और हमारा नाम रोशन करेगा, और आप पीएचडी में इनरोल्ड भी हो, तो मतलब मजीद आगे पढ़ाई करने की ख्वाहिश भी रखते हो आप। यार ऐसा सीन था कि मैंने अपनी जब डिग्री कंप्लीट की तो मेरे अबू उन्होंने वाबड़ा में जॉब कर रहे थे। अच्छा। यू चीफ इंजीनियर। अच्छा। तो वो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जिस सीट छोड़ूं तो वो डायरेक्ट वो कोटा सिस्टम होता है, तो वो उसमें आ जाए। बिल्कुल। और अबू के बड़े सारे कोलीग्स ऐसे थे जिनके बच्चे आ रहे थे, मतलब वो एक बड़ा वो लेगेसी थी ना, नेपोटिज्म चल रहा है भरपूर, वो एक कोटा सिस्टम। देखो आप लोग, सिर्फ ये इंडस्ट्री यहाँ में नहीं होता है ये, तो मतलब इसको खामखा में एक टैग देके नेपोटिज्म, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि जो काम वो करता आया पूरी जिंदगी, वो बड़ा ऑनर है यू नो, या उसका बेटा वो काम करे। आई एम श्योर कि एक बाप सर्विंग है और उसका जो बेटा है ना वो उसी डिपार्टमेंट में आ गया, और लोग जो है उस लड़के को पहले उसके बाप के रेफरेंस से जानते हैं, और वो मेरे डेफिनेटली मेरे वालिद की भी ख्वाहिश थी कि उनके बाकी कोलीग्स जो हैं वो ये ऑनर ले रहे हैं, तो उनको भी। अच्छा, मैं था भी अपने घर में अपने अबू का जरा इस मामले में थोड़ा फेवरेट था, क्योंकि मैं प्रॉपर इंजीनियरिंग जो है वो परसू कर रहा था, और अबू मेरे बड़े सख्तगीर अफसर मशहूर थे, लेकिन वो मेरे बारे में कह रहे थे कि भाई वालिद साहब बहुत खुश थे कि मेरा बेटा मेरी आ जाएगा, मैंने जब मैं उन दिनों में आज टीवी का जो फोरमैन शो था मैं उसके लिए लिखता लिखाता था, मैं फ्रीलांस था, मेरे ख्यालात जो हैं वो कुछ और, मैं यार ये सीन जो है ना यहाँ पे ऑफ है इंजीनियरिंग में। अच्छा, उस वक्त में बहुत ही हवा चली हुई थी, टेलीकॉम इंडस्ट्री बूम कर रही थी, लिटरली ऐसा होता था कि फाइनल ईयर में जिन लड़कों की दो दो सप्लीज होती थी ना उनको भी कहते थे भाई आप ज्वाइन कर लें, पेपर्स बाद में क्लियर कर लेंगे। अच्छा, इतना सीन ऑन था। फिर सडनली जनाब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री सैचुरेट होनी शुरू हो गई, और वो अच्छा मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपने अबू के साथ एक कंपनी बनाई, अब्बा जी वाबड़ा में तो नहीं जाऊंगा बिकॉज प्रोजेक्ट बड़े अजीबो गरीब जगहों में ना, तरबेला में, मंगला में, वर्सक में, सतपारा में, बहुत डिफिकल्ट जगहों पर। मैंने कहा जंगलों में नहीं रहना, मैं परसू करूंगा अपना मीडिया का करियर और साथ साथ में मैं अपनी कंपनी चलाऊंगा। तो जब ये फैसला किया तो वालिद साहब वाज हैप्पी विद इट, एंटरप्रेन्योरशिप पे यस ही वाज ऑन बोर्ड, लेकिन वो मीडिया वाली बात तो उन्होंने कहा चलो बच्चे का शौक है ट्राई कर ले, कर ले, सही लगा तो ठीक है। फैमिली में से, खानदान में से कोई भी इस फील्ड से नहीं है, दूर दूर तक, दूर दूर तक नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं। तो उसमें फिर ऐसा ऐसा जब एक कुछ वो चला, हमारी कंपनी जो है वो थोड़ी डावट हो रही, मैंने अबू से कहा अब्बा जी देखें मेरे ख्याल में अब हमें, अच्छे ज़माने में फिर हम जियो चले गए, जियो में BNN चलना शुरू हो गया, तो BNN में ज़रा अर्निंग बेहतर हो गई थोड़ी सी, ज़रा रिकग्निशन भी आनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी काम ऑफ द स्क्रीन ज़्यादा था। फिर 2014 में मैंने अब्बा को कहा कि अब्बा जी दाओ आई एम सेइंग गुड बाय टू इंजीनियरिंग, और उसके बाद फिर मैं अब अपना फुल टाइम मीडिया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। सो आई मूव टू लाहौर। But by this time you were already earning money. Your parents knew कि यार चलो पैसे तो कमा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ शौक ही है। सेटअप अच्छा हो गया, अच्छा, और इनफैक्ट इंजीनियरिंग के 3 साल बाद मैं अपने मीडिया भी कर रहा था, राइटिंग भी कर रहा था, मैं अपनी जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहा था, वो सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी, जॉब ठेके भी मिल रहे थे, यू नो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कुछ ड्राइंग वगैरह, यू नो इनफैक्ट एक पावर स्टेशन है नॉर्थ में, उसकी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन जो है ना वो सारी मेरी डिज़ाइन करता है मेरे हाथ की। अरे आज भी उनकी ड्राइंग देखेंगे कहीं मेरा आपको नाम जो है ना वो सीधा लफ्ज़ों में नजर आ जाएगा काले हरूफ में। बट एनीवे दैट वाज पास्ट, तो अर्निंग अच्छी हो गई थी उन्हीं दिनों में, अब्बू ने कहा कि भाई चलो भाई तुम्हारी तो पहले इनको भी अर्न कर लिया आपने, वो ये तो वो विन विन। किस साल में हुई थी आप लोगों की? हमारा निकाह हुआ 2012 में 12 में। ओके। तो एंड फिर उसकी जो इसकी एजुकेशन चल रही थी तो इनकी एजुकेशन में 3 साल थे। 3 इयर्स हमारा निकाह रहा था। निकाह से तकरीबन मंथ पहले हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तो बाबा ने कहा था कि यार एंगेजमेंट नहीं डायरेक्ट निकाह करें, उसके बाद आप लोग कांटेक्ट करते हैं जो करते हैं। मेरे अबू ने भी यही कहा था, निकाह मंगनी शंगनी नहीं मानता। अच्छी बात है वैसे, अच्छी बात। वो ज्यादा आपको लगता है कि बस ठीक है निकाह हो गया ना, आप मिल रहे हैं जो भी करें, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो ये आते थे, तो बस मुझे कोई इशू नहीं होता था, ठीक है भाई निकाह हुआ है आप जा रहे हैं, कुछ मसला नहीं था, घर मेरे आते थे। तो निकाह हमारा काफ़ी लंबा अरसा रहा था, जितना मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम था उसमें मैं निकाह फाइट थी, और उसके बाद फिर जब हमारी बाबूजी छुप छुप के मिलते थे निकाह हुए लीगल छुप छुप के मिल रहे उसके बाद, इसलिए क्योंकि लोगों को नहीं पता होता था ना कि इनका निकाह हुआ है, लोगों के लिए पाकिस्तान
तो फिर शादी हो गई, तो शादी कब हुई, किस साल में फाइनली? 2015 में, फॉर 3 इयर्स यू गाइस वर छुप छुप के मिले थे, मियां बीवी थे, क्या मियां बीवी थे, लेकिन छुप छुप के क्यों मिल रहे थे? ये वो बेसिकली ऐसा होता है ना, एक तो हम जिस शहर में थे थोड़े उनके जरा नॉर्म्स, और दूसरा दोनों माशाल्लाह पेशावर से हैं, और थोड़ा सा जरा वो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, दूसरा ये जब ऑफिशियली जरा वो होता था किसी महफिल में आमना सामना होता था तो बड़ी सेरेमनी होती थी, ये जी दोनों का निकाह हुआ, दोनों ऑफिशियल मियां बीवी हैं, इनको एक दूसरे के सामने करा रहे हैं। नहीं वो जैसे ईद कुर्बान में कुछ जोड़ी के बकरे हो ना, तो जैसे उनको एक दूसरे के सामने करा थे ना, तो वो एक दूसरे को पहचान जाते, तो वो बाकी सारे लोग खुश हो जाते, तो कोई वैसी कोई सिचुएशन। मुझे याद है जब भी कोई इवेंट होता था जिसमें हम दोनों ने आना होता था, तो मुझसे ज्यादा बाकी लोग एक्साइटेड होते थे, आज तो वो भी आ रहा है तो तुम तो बड़ी तैयार होगी, मैं कहती थी दिल में कि मुझसे ज्यादा आप लोग हमें देख रहे होंगे, हम तो एक दूसरे को इतना नहीं देख सकेंगे जितना आप लोग देखेंगे। क्योंकि मेरी दरख्वास्त है जी हमारी सोसाइटी से कम इतनी जरूर फ्लेक्सिबिलिटी रखे कि अगर दो लोगों का निकाह हो चुका है और रब के सामने उनका एक साथ बैठना उठना चलना फिरना खाना पीना रहना सही है, तो आप लोग भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, हम एक ब्रेक लेते हैं, फ्लेक्सिबल होके आते हैं हम भी, और हम बिल्कुल आप लोग सुकून से बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2015 के बाद अब क्या कहानी कहां तक पहुंची है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि 122 लोगों की जो आपने याद किया हुआ, ये कैसे कौन सा चिप है मेमोरी, हमें भी वो वर्जन बताओ। सो वी विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक, यू वॉचिंग द कपल शो, डोंट गो एनीवेयर, और अगर कहीं जाना है तो जल्दी हो क्या। तो हमारे साथ है शफाद और उनकी अहलिया, डॉक्टर रेबेका, मतलब एक तरफ इंजीनियर एक तरफ डॉक्टर, और जो इस इंसान की हरकतें ब्रेक में चलती हैं, एक पंजाबी का लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया, कड़मास। कभी कभी दिल करता है पंजाब से कोई साथी बिछड़ा मिल जाए, तो हिना ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज कड़मास, तो ये आगे से क्या कहता है, कहते कड़मास इज लाइक थर्मस, इट्स लाइक कड़मास, क्या था यार है। तो जी हाँ जी जी, हाँ आप कह रहे थे कि मैं शफात से पूछना चाहता हूँ कि 122 पर्सनालिटीज की मिमिक्री करना एक आसान काम नहीं, और आपको तो इनके इस तरह नाम भी नहीं याद रहते। मुझे कोई बोले 25-30 नाम याद कर लो एक साथ, तो आई एम श्योर जब वो मुझसे पूछेंगे तो एक आधा कहीं स्किप हो ही जाएगा, और भाई साहब ने चैलेंज किया है पूरी दुनिया को कि मैं 122 से ऊपर लोगों की मिमिक्री कर सकता हूं लाइक दिस इन अ गो, तो किसी भी माइकल लाल में अगर दम है तो वो आके इस बात को चैलेंज करे, तो मुझे लगता है गिनीज को ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस नॉट अ जोक, तो आई थिंक गिनीज में जरूर ये बात आनी चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए, बिकॉज आई हैव नेवर सीन सच टैलेंट इन माई एंटायर लाइफ। आई हैव सीन इंडियन कॉमेडियंस, आई हैव सीन comedians all over the world, I've seen a lot of shows, aapko pata hai main bahut shauk bhi rakhta hu, par maine kabhi kisi insaan ko honestly speaking, so he is immensely gifted and talented, thank you very much। अच्छा शफाद ये कह भी देना कि मैं चैलेंज करता हूँ और अगर कोई और कर सकता है तो ठीक है, मैंने ऐड किया है बस नहीं बोला, मैं कह दे दूँ। वाह भाई, हेलो हेलो भाई, ये क्लोज अप बनाओ। ओके देखिए, आप लोग जो भी है जहाँ भी है जिस कंडीशन में भी है, आप खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ घबराना नहीं, सिंपल मुझे चैलेंज करें। देखिए जब मैं कहता हूँ लोग समझ जाते हैं उनकी बात लगने वाली है, क्योंकि उसके बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है, बिल्कुल नहीं घबराना आपने। ये सिर्फ एक टीजर है, मैंने अपनी पर्सनल फरमाइश पे आज एक ऐसा सेगमेंट रखा है व्हेन आई एम गोना प्ले अ लिटिल गेम विद हिम एंड ही विल हैव टू यू नो डू व्हाट ही डज द बेस्ट। जी शफात रेबेका, हम आपको कुछ
पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स दिखाएंगे. आप दोनों इनको सजेशन देना है एक 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 मशवरा एक पिक्चर आएगी, एक मशवरा आप देंगे और एक मशवरा आप देंगे. फुल मॉर्निंग शो में ताल्लुकात खराब करवाना चाह रही हैं. हाँ हाँ ठीक है, और होनी चाहिए ऐसा. मॉर्निंग शो कभी कभी मिलता है. मॉर्निंग शो तो खराब हो गए, मॉर्निंग शो तो खराब हो गए, बच्चे भी बेचारे मेरे से गिनती गई हैं. तो मैं कह रहा हूँ आप ताल्लुकात से डजंट मैटर. तो ये हमारे इस राउंड का नाम है एक मशवरा और सही. तो डॉक्टर साहिबा और इंजीनियर साहब, ओहो प्लीज ओवर टू यू. आइए मैं जरा इस तरफ आ जाता हूँ ताकि इस पास आ जाओ. आओ चलो चलो जी आओ जी दिखाओ जी. चलो जी पहली पिक्चर किसकी है? महमूद कुरैशी. मैं आता हूँ. नहीं 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 आप पहले जाइए. मैं पहले जी मशवरा. थोड़ा अपनी गुफ्तार में रोमांस कम कर दें. कैसे कैसे? मतलब जब बोलते हैं ना, देखिए मेरे भाई पहले तो मैं आपको एक बात समझाऊं. पाकिस्तान अपना मुकदमा लेकर जहां जहां भी किया है उसको पजीराई मिले, मतलब उसमें एग्रेशन आ जाए ना. देखिए मेरे भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. जरा एग्रेशन आए इंसान उनको मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ तो वो इनकी डोमेन होती है. तो मैं इनकी मतलब लुक्स को देख के मशवरा दे देंगी. ठीक है, स्टाइलिंग पे या उस पे. तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ी सी हल्की सी बियर्ड वगैरह रख लें तो शायद थोड़ा ज्यादा ग्रेसफुल लगेंगे. वैसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं बट तब आपने मुझे मेरे सॉफ्टवेयर इमेज को आज आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ. लेकिन ये बात याद रखिएगा मेरे बगैर लाहौर चल नहीं सकता था. आज भी लाहौरी मुझे फ्लाइंग किस भेजते हैं, नैब के हेडक्वार्टर की तरफ घूम करके फ्लाइंग किस भेजते हैं. अगर आपने मुझे दिल से पार्टी करके दोबारा सीएम ने मुंतखब किया तो मैंने आपको स्वर्ग को मिला सीखा. तो मेरा नाम क्या बात है यार. नहीं देना मशवरा छोड़ो, आप बताएं क्या मशवरा. नॉर्मली आंख में माइक होता है जो जबरदस्ती पकड़ के तो पोडियम गिरा देता. आई वुडंट माइंड. मैं यही मशवरा दूंगी कि लाहौर में वापस आ जाए अपनी सीट पे. इनके बगैर लाहौर वैसा नहीं रहा जैसा लाहौर सुना हो गया. लाहौर इनके बगैर बहुत सुना हो गया. तो आइए अगली पिक्चर देखते हैं जी. इनसे तो बड़ी पक्की दोस्ती. ये तो बढ़िया. तो दोस्ती वाला मशवरा दे दो. दोस्ती वाला थोड़ा काम मतलब कम करे. अभी कम कर रहा है. थोड़ा और ज्यादा करे. नहीं अच्छा ये तो मेरा मशवरा था. मैंने इनको देखी यही बात जहन में आई. अभी भी कम कर रहा है. बदामी को तो मैंने माशाल्लाह देखा है कि वसीम भाई साहब तो ये तो जवान होते जा रहे हैं दिन ब दिन. हर हफ्ते इनका प्रोग्राम देखो तो ये पहले हफ्ते से यंग दिख रहे होते हैं. जी डॉक्टर साहब मैं यही कहूंगी कि बिकॉज क्योंकि हम लोग काम को देखते हैं इनका. मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ. मेरी इनकी वाइफ से भी बहुत अच्छी सलाम दुआएं. तो काम इतना ज्यादा ये करते हैं बेचारे कि फैमिली को टाइम बहुत थोड़ा सा मिल जाता है उनके लिए. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. काम ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं. किस पास से आ रही है? आई कैन अंडरस्टैंड. लेकिन गुड है. आई लाइक हिम. आई लाइक थिंक ही इज वेरी वेरी गुड व्हाटएवर ही डज. आई अगली पिक्चर देखते हैं. अगला चेहरा किसका है? किसका है जी? शाह साहब इज हियर. शाह साहब हैव नो फियर. शाह साहब क्या बात है आप. मशवरा यार मतलब अंदाजा करें ना. जब तक शाह साहब नहीं थे तो सिंध में कायम अली शाह थे और पंजाब में शहबाज शरीफ थे. अब जब शाह साहब आ गए हैं तो सिंध में ये है, पंजाब में बुज़दार साहब है. तो मुझे लगता है कैरेक्टर्स स्विच हो गए. हाँ तो शाह साहब अमेजिंग जॉब कर रहे हैं. थोड़ा सिंध को ये दो चार मास ट्रांजिट के अच्छे मनसूबे दे दें. पेशतर इसके कि गवर्नमेंट खत्म हो और जरा हमारी सड़कों की हालत भी जरा बेहतर. बाकी गवर्नमेंट पता नहीं कब खत्म होगा. बड़ा जरूरी है. ये आप कर गए तो आपको पूरी जिंदगी दुआएं मिलेंगी. अगली बार सीएम बने ना बने ये भी शहर का किसी ने.
जी रेबेका क्या मैं इनको यही कहूंगी कि कराची में सफाई का अगर कुछ थोड़ा सा काम हो सकता है तो ये कर दे। ज्यादा सा क्यों नहीं हो सकता? तो अब क्योंकि इतना बड़ा कराची है, थोड़े अगर थोड़ा सा भी साफ हो जाए, बिकॉज़ कराची नीड्स सफाई। हां बट आई थिंक दैट्स वेरी विद द रोड्स एंड द पोल्यूशन, आई थिंक ये दो के बाद जो हमारे कराची का हाल होता है, इट इज एब्सोल्युटली टेरिबल। अरे दुख बहुत सारे हमें आ गए, ब्रेक लेते हैं हम क्योंकि ये एकदम मुझे दुखों ने घेर लिया है। प्लीज कराची वालों और कराची के पहरेदारों, इस शहर का ख्याल रखो यार, बड़ा जरूरी है। बहुत पैसा, बहुत रेवेन्यू, बहुत जिंदगियों को चलाने वाला शहर है ये, तो प्लीज इस पे नजर सानी करें। बजाए म्यूजिक, ले ब्रेक। कपल शो एंड शफाफ भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ हैं, और दोनों ने मिलकर बहुत सारे सजेशंस दिए हमारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो लोग हैं उनको भी। लेकिन अब हम आ चुके हैं हमारे अगले गेम की तरफ, तो गेम शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद हु। कौन पहले गेस करना चाहेगा? मैं, आप गेस करना चाहोगे? कैसा बंदा है देखो, कुछ नहीं, अपनी जगह से नहीं हिलना, बस हो गया। सही है, ओके जी। हाँ जी, तो जी वक्त शुरू होता है आपका अब। एक लफ्ज है, ओके, आसान है, बहुत ही आसान है। जो एक्सप्रेशन दे रहा हूँ तो लग रहा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आई एम वेरी बैड एट इट। बहुत बुरा। I'm happy somebody's bad at it. चलें। बहुत जी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। अच्छा। बर्गर। सैंडविच, सैंडविच। मायोनीज, केचप। हलीम, हलीम, हलीम। टमेटो। हलीम। सैलेड। हलीम, हलीम। हलीम ऐसे कौन खाता है आगा? नान में लपेट के ऐसे खाते हैं हलीम? नहीं। बर्गर बाइट। पराठा, बन कबाब, पराठा। सैंडविच, टमेटो, अनियन। सलाद का पत्ता। व्हाट? बर्गर, ब्रेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, आगा जीत गया, आगा जीत गया, आगा जीत गया। आया मेरा नूडल्स हो गया आपको। कम ऑन, ये आई एम सो सॉरी। ठीक है, थैंक यू सर, तो बहुत मोहब्बत है ये, लेकिन फिर भी पॉइंट में हमारी गलती है। बन कबाब नहीं था ये, भंड कबाब था, लेकिन कोई बात नहीं। आइए अगले की तरफ चलते हैं, और अब इनकी बारी आ गई दोबारा। बहुत इजी है, है ना, इतने इजी। मेरी टीम जो है ना, पहले पूछ लिया करो, पहले पूछ लिया करो आने वालों ने कितना खेला है ये गेम। और आपका वक्त शुरू होना को फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन शुरू होता है अब। आइए, फ्लोरिंग क्या है? क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग। मुझे कमाल, मतलब इसका पॉइंट मुझे मिलना चाहिए कि एक्टिंग ऐसी की है कि एक्टिंग वो भी अच्छी कर रहा है यार, वो बुरी कर रहा होता तो मैं। ये एक्टिंग थी बंद कबाब की, मतलब बर्गर की भी बुरी एक्टिंग थी। बंद कबाब, मतलब बंद, कोई बात नहीं। और सो गुड एट इट कि वो आदि भी इससे एक्टिंग करेगा तो, है ना। ये तो सर, ए देखो भाई, मुझे भी दिखाएं। शदीद जी, ओह माय गॉड। एक एक मैं इसके हिंट दे देता हूं आपको कि नहीं, मैं क्यों दूं हिंट, आपको जरूरत ही नहीं है हिंट की। जी शुरू, ओके, टाइम स्टार्ट्स भैया नाउ। नागिन, सांप। नागिन पार्ट 4। सांप, नागिन की मौत। मर गया सांप, सांप को मार दिया। सांप मर गया, देखो बेचारा यार। सांप बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया।
पहले ये बाहुई कुछ नहीं बोल सकते आप। अच्छा लव्स ही नहीं बता सकते। नो लव्स नो नेवर नॉट ओके। सैम जी सो रहा है। 25 सेकंड गुजर चुके हैं। मर गया। द स्लीपिंग स्नेक फिल्म आई थी। मार दिया, टुकड़े कर दिए, नहीं मरा। अच्छा दुम काट दी, दुम दोबारा दुम काट दी। ये क्या, ये से लग रहा है कोई किस्सा सुना रहा है और किस्सा समझ रहे। सांप आया था, सो गया था, उठा, उससे नाश्ता किया, फिर वो टूट गया। उसको काटा, मरा नहीं, दुम काटी, दुम काटी। देखो 10 सेकंड का लव। यार ये क्या बात है, मैं इतनी लंबी बात, 9 बहुत लंबी हो। 8 7 आस्तीन का सांप, सांप 5 4 3 2 1 एंड 0। मेरी बेहम ने चीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन रब जिसके साथ सब उसके साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मुश्किल है। सांप मर जाए और लाठी इतना बताना चाहिए था कि सांप मर जाए लाठी। अच्छा वैसे बता देते, तो और क्या रह जाता। मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि आगा की नजर यहाँ से हटे तो मैं जल्दी से बताऊं। इतना तो बता देना चाहिए था कि सांप मर जाए और लाठी। नहीं मतलब अभी तक एक एक वर्ड थे ना अचानक से इतना। आप जो कर रही है हमारे साथ, आपको लगता है आपका एक लफ्ज देना चाहिए? देखे खोया खोया चांद। रोलिंग शफादा को पता है आप वाहिद गैसे जो चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आई स्वेयर हमारे बहुत रीजनेबल गेस्ट आए। आपका वक्त होता है अब। हाथ धो के घर से जा रही है, तैयार होके वो कहीं ओके ओके ठीक है, हो गया ना काम, हो गया। मतलब आपने हाथ धो लिए, उसके बाद पैंट वो सैनिटाइज कर लिया। सैनिटाइजर 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 सैनिटाइजर। सो द विनर ऑफ दिस वेरी कॉन्टेस्ट इज आगा। आगा डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। क्राउन ला दे, दिस इज द टाई, सो कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। पहला सवाल है, अगर कोई लड़की शफात को बार बार फोन करे और मैसेज करे तो क्या ये आपको बताएंगे? ओ, कुछ है इसके पीछे। बताइए। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
इस गाने से बहुत ज्यादा मेरी वो मैं नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ. जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तो उन्होंने तब ये गाना गाया था. लड़के ने टैलेंट के जौहर दिखा दिए थे. पर क्या बात है यार, यू आर आल्सो अ सिंगर. और सबसे कमाल बात यह है कि जब आप कोई गाना गाते हैं तो लगता है वही सिंगर ही गा रहा है वो गाना. यार हाँ, पॉसिबल नहीं है कि अगर वो जिनकी मिमिक हो रही है वो ये रियलाइज ना करें कि बेसिकली आपको किसी की मिमिक करने के लिए ना उसका हार्ड कोर फैन होना पड़ता है. आई एम श्योर. और उसको बहुत सुन के आप उसके नोट्स कॉपी करते हैं. बेसिकली हम ऑनर कर रहे होते हैं उनको. बिल्कुल बिल्कुल. तो अबरार भाई हैज बीन ऑलवेज वेरी वेरी सपोर्टिव. बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. कहीं कॉन्सर्ट में मिल जाए, कहीं कॉन्सर्ट साथ होस्ट करना हो, वो स्पेशल रुकवाते हैं कि नहीं मेरा इंट्रो तुमने करवाना है. तो ये इसके बगैर पॉसिबल नहीं. बहुत सारी तालियां इमरान अल्हक साहब के लिए. लिविंग लेजेंड सर, लव यू सो मेनी ग्रेट. आई थिंक सबसे बड़ी बड़ी हिट्स जो रही हैं अर्ली 2000s में और इवन लेट 90s में. मेरे ख्याल में दलेर मेहंदी और अबरार पंजाबी म्यूजिक में यही दो नाम. क्या बात, क्या बात. यही दो नाम है जिन्होंने मॉडर्न पंजाबी म्यूजिक शुरू किया. बहुत ही भरपूर किया. अच्छा, जब आप किसी को मिमिक कर रहे होते हैं तो आपकी आपको ऑब्जर्व भी बहुत ज्यादा करना होता है, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन पावर भी चाहिए. तो रबेका शफाक की हर छोटी चीज में ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है. हर छोटी छोटी चीज याद रहेगी. हम दोनों किसी इवेंट पे जाते हैं ना या कहीं भी बैठे होते हैं तो मैं वो चीज नहीं नोट करती जो ये नोट कर लेते हैं. और फिर उसके बाद खाली नोट करके नहीं, वो उस चीज को उसी वक्त वो कॉपी पेस्ट नहीं हो जाता, वो कॉपी पेस्ट हो जाता. सबसे अजीब चीज क्या नोट की है शफाक, क्या आपने किया हो है? मुश्किल सवाल. सबसे अजीब चीज यही होती है कि बाज़ुकात ऐसे लोगों की भी कॉपी कर लेते हैं जिनको इन्होंने जस्ट फर्स्ट एक बार देखा होता है और 5-6 मिनट के लिए इससे ज्यादा नहीं. डर लग रहा है शफाक हमारे में क्या क्या नहीं नहीं कुछ अच्छा वो चूंकि प्रोग्राम टीवी पे है ना इसलिए हम जरा इसको महज़ब रखते हैं गुफ्तगू को. वरना मेरा अमूमन जो फोकस होता है वो टेक्निकल डिटेल्स पे होता है. बाकी आप समझ जाते हैं. अब दो लाइनों में अगर यू हैव टू से इट द वे आई से इट इन द शो. नहीं, मेरा ध्यान आपसे ज्यादा वो पीछे जो तस्वीर लगी है ना कि यार वो तस्वीर लैंप के नीचे बड़ी आला आ रही है. हालांकि लैंप की लाइट व्हाइट है लेकिन तस्वीर पे लाइट येलो आ रही है. मेरी ये डिटेल्स है ना, मैं ये कॉपी कर दूं, मैं ये इनको नोट कर दूं. अब लेकिन क्या हमारी एक नेबर है, उन बेचारे ने पीछे बड़ी डेकोरेशन करके बैम्बू स्टिक लगाई हुई है. ये बेचारे ना उस वो बैम्बू के साथ पता नहीं क्या क्या जोड़ के ना उसकी सारी हटवानी. मेरा एम्बिशन है मैंने वो गिरवाने. अरे यार भाई ऐसा क्यों? अच्छा भला मतलब एक ड्राइंग रूम डेकोरेटेड इसी किस्म का लश किस्म का, लेकिन एक जगह पे वो डीआईवाई हुआ. मुझे उससे मतलब वो हो रही है, एक इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन क्रिंजी फीलिंग आ रही है. आंखों को चुभ रहा है वो. क्यों भाई, इतना ऑब्जर्वेशन लेवल जब आप रखेंगे जाहिर है तो चीजें आपको अनॉय भी करना शुरू कर देंगी. तो ऐसी कुछ सवाल हैं हमारे पास आप दोनों के मुतल्लिक. सवाल हैं आपसे, इनके मुतल्लिक पूछेंगे, आपसे इनके मुतल्लिक पूछेंगे और आप लोगों ने बड़ा सिंपल जवाब देना है, हाँ या ना. और डिटेल देनी हो तो सही है वैसे आपके पास. आप शुरू करो. दोनों के पास और आप दोनों के पास एक यस और एक नो मौजूद है. अच्छा जी जी, हमारा पहला सवाल है, अगर कोई लड़की शफाक को बार बार फोन करे और मैसेज करे तो क्या ये आपको बताएंगे? ओ, कुछ है इसके पीछे. बताइए जरा हमें. मैं नहीं बताएंगे या नहीं बताएंगे? क्या वो इतना बड़ा रिएक्शन भाई, मैं हूं ही नहीं घर पे. कोई और बात करते हैं. और सुनाएं सर, आपको क्या लगता है, है जुड़ा हुआ इस बात ये से? हिमाचल प्रदेश में अभी जो सैलाब आया हुआ है और इस तरह बगलियार डैम के बड़ी फ्लड है, इसके बारे में क्या बात कहेंगे? यही कि जब इसको कोई लड़की बहुत मैसेजेस या फोन करे तो आपको बताते भाई ओ दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड. दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड नॉट इन द शुरू के डेज. हां बट बाद में अगर जैसे बहुत मजे का सीन हुआ था. ओल्ड स्टोरी कोई इन्होंने मुझे बताई कि यार एक मेरी कुलीग थी या फ्रेंड थी पता नहीं कौन थी, ये देखो ये मुझे एक टाइम में बहुत मैसेज करती थी और फिर मैंने इन्हें अनफ्रेंड कर दिया था और फिर इन्होंने मुझे दिखाया तो मैं ऑटोमेटिकली मैसेज में गई. पूरी चैट पड़ी हुई थी. मैंने कहा मुझे तो आपने कभी नहीं बताया ये सारा किस्सा और मुझ पे भरा कि मैंने अनफ्रेंड कर दिया था. मैं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा यार ये सबूत सामने देख रहा हूँ की सफा के चेहरे पर एक शर्मिंदगी की हंसी है. लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि फिर भी बता दिया, you know, दिखा दिया जो भी था. एंड आई एम श्योर विद नाइस देखिए ये मेरे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस था कि देखें ये है वो बंदी जिस तरह के मैसेज करे. और ये आगे इनका मुझ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने कहा ऐसी की तैसी, पहले तो मैसेज बताओ.
तू वहां से तो lack of confidence सही निकला ना, वो confidence था वो lack नहीं किया मैंने इनको confidence की मार मारनी चाहिए और उन्होंने मुझे confidence की मार मार दी जी बिल्कुल ऐसा ही है और confidence माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा का बहुत कमाल है मैंने देखा ये गेम के अंदर भी दूसरा सवाल ये है कि अगर मैंने सुना ये भाई को गुस्सा अगर आ जाए तो सब छुप जाते हैं सब अपनी अपनी बिलों में चले जाते हैं सब ऐसा क्या करते हो गुस्से में भाई मेरा मूड खराब हो जाए मैं मतलब मुझे चीजें चुभना शुरू हो जाती है मुझे लाइट चुभती है मुझे आवाज चुभती है और मतलब साइलेंस यू वांट अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस पीस चाहिए बस उस वक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए और खामोशी चाहिए बस कोई मेरे नजदीक ना है और मुझे लगता है ऐसा अगर इतना हंसी मजाक वाला इतना महफिल लगाने वाला इंसान का अगर मूड ऑफ हो जाए तो आई थिंक बाकियों के लिए भी वो बड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मुसीबत ज्यादा हो जाता होगा यस दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू घर वालों घर का एक माहौल ना बिल्कुल आप समझेंगे मतलब गुंतनामो बे किस्म का हो जाता है कोई कैदी है कोई डिटेंशन में पड़ा उसके नजदीक नहीं जाना उसके कमरे को नहीं छेड़ना लेकिन वो आता है वो मूड खराब रहता है थोड़ी देर और वो ब्लड प्रेशर भी स्पाइक करता है और फिर वो ग्रेजुअली अगला सवाल है घर का खर्चा इलाज कराने का कभी सोचा हो किराया किराया लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज अब बहुत बेहतर हो गई अल्लाह खैर जितना मैं अवॉइड करना चाह रही थी आगा को उतना इसका सवाल पूछना था बट एनीवे अगला सवाल है घर का खर्चा औरत से बेहतर कोई नहीं चलाता ट्रू या फॉल्स मेरे घर में से बड़े फैसले होते हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ठीक है पीडीएम कामयाब होगी या नहीं होगी मुझे वोट किसको देना है ये मेरे हाथ में ये बड़े फैसले खाना क्या बनेगा क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है ये सब फैसले खाना बच्चा स्कूल में कौन से जाएगा क्या होगा मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं मैंने आज ऑफिस क्या पहने ये सब इनके मैटर है ऑब्वियसली मैं फिर इन छोटे छोटे मामला मतलब घर फिर माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा ही चला रही है वेरी गुड बहुत जान के खुशी हुई अक्सर शफात रेबेका की बात नहीं सुन रहे होते बस हाँ हाँ करते रहते हैं यार ये मेरी टीम कहाँ तक हो अच्छा वो कह रहे नो और रेबेका कह रही है मुझे जान प्यारी होती है नहीं झूठा है उसके चेहरे पे लिखा है मैं बताती हूँ जब ये नहीं सुन रहे होते ना मुझे पता चल जाता है क्योंकि मोबाइल में लगे होंगे या कोई काम करे होंगे और मैं उसी वक्त कहती हूँ अच्छा बताएं मैंने क्या कहा अच्छा क्या क्विज भी होता है अच्छा क्या तब फिर मोबाइल साइड पे होके फिर कहते हैं अच्छा हाँ भाई अब ये क्विज भी होता है मेरे ये मतलब आप समझे घर का माहौल आप समझ रहे हैं किसी भी टाइम ना वो आते थे सर ना जिस दिन बोर्ड पे लिख देते थे क्विज उस दिन वाट लग जाती थी तो ये हमारा भी यही सीन है जिस दिन पूछ लिया कि क्या बात हो रही थी उस दिन अरे दो बड़ी सियासी जमातों की तरफ से कौन सी सियासी जमात थी वो थी आदर तो ऑफर उन्होंने की खुल के की होगी उन्होंने कौन सा नहीं खुल के नहीं की छुप के ऑफर हुई थी सवाल है रेबेका शफात से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स की सुनती है नहीं वो तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता इन फैक्ट हाँ नहीं इनफैक्ट आपकी भी नहीं सुनती नहीं वो पहले मेरा सियासी बयान था नाउ आई रियलाइज मतलब ऐसा ही है नहीं ऐसा नहीं है मैं अगेन कहूंगी ऐसा था जब हमारी शादी नहीं हुई थी और वो यूनिवर्सिटी वाले टाइम में तब मैं हाँ उनकी ज्यादा सुनती थी अब तो ऐसा नहीं क्योंकि शादी से पहले हम अपनी दोस्तों की ही सुनते हैं शादी की जो कहती है वही बात सही भी लगती है हाँ भाई ये ज्यादा समझती है ज्यादा समझदार है अब ऐसा नहीं 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 अब तो ऐसा है अब किसकी सुनती हूँ मेरे भाई को सुनते और दिल की ख्वाहिशात भाई जान अगर ये अच्छी लग रही है और मैंने कह दिया कि ये आज आप बहुत अच्छी लग रही है तो इन्होंने पहले उसकी काउंटर वेरीफाई करना है अपने इन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज दिए और उसके बाद फिर बयानात में तजादात चेक होगा अगर वहां से भी एंडोर्समेंट आ गया तो देन आई एम राइट अच्छा और ये ऐसे हो यार ये तो बड़ा मैं क्योंकि अगर ये है ना मेरे साथ मैं क्विज का माहौल है ब्रो मेरे लिए तो बड़ा मैं महीने के आखिर में जीपीए लगता है ओ
ओके 3.9 से नीचे फेल है। अगला सवाल है, ये सवाल मोस्टली अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते, इज दैट ट्रू? सिलेक्टेड लोगों से करते हैं। आपसे करते हैं? हाँ, मुझसे करते हैं। दिल की बातें नहीं होगा सारी। आप एक साथ बताओ ताकि पता चले कि आपका ये सही है। नहीं, गलत है यार, बीवी को भी कंफ्यूज कर रहा है, हमें भी कंफ्यूज कर रहा है। एक जवाब, सही जवाब, यस, शेयर करते हैं। ओके, चलो अच्छी बात है, क्या करो, जरूरी है। अगला सवाल है, शफात और रेबेका ने जैसा पार्टनर सोचा था उन्हें वैसा ही मिला। दोनों को माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। आप हमेशा से मल्टी टैलेंटेड इंसान ढूंढ रहे थे? नहीं, मैं हमेशा से ऐसा इंसान सोचती थी जो फनी हो, जो बहुत सीरियस ना हो। यार जिंदगी मुश्किल हो जाती है, मस्करा होने की वजह से हमसे शादी हुई है भाई। ये अगर ये मस्करापन कम होता तो शायद ये लड़कियां हमें चूज नहीं करती। ये सच्चाई आज पता लगती है, हमें ना चूजती, चूज करती है, हमें चूजती, इन्होंने हमें चूजा इसलिए है, बिल्कुल नहीं चूजा क्योंकि हम फनी है। तो घर में आखिरी फैसला होता है भाई साहब का, ये सच है, पता है सबको। नहीं, अरे वाह यार, गुड पार्ट इज कि दोनों ने नहीं कहा, तो उस भाई को पता है मेरी जगह क्या है और कितनी है। और डॉक्टर साहब बड़े फैसले, घर से आई, बड़े कॉन्फिडेंट है, मुझे कौन सी कंपनी में जॉब करनी चाहिए, ये फैसला भी। ये मेरा फैसला है। अच्छा, ये मेरा फैसला है। लेकिन अब ये के घर में ग्रोसरी का क्या सीन है, ड्राइंग रूम में कौन सा फर्नीचर आना चाहिए, हमें किस फैमिली के साथ कितना ताल्लुकात रखने चाहिए, ये मेरे मैटर जी मेरे मैटर मेरा कौन सा दोस्त कितनी लिफ्ट के काबिल। बहुत आला यार, वेरी नाइस, इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी। आई होप मेरे दोस्त ये नहीं देख रहे, तो ऐसी बात नहीं, सारे देख रहे हो, अगर आप देख रहे हैं तो भाई हेलो दोस्तों, ये हेलो हेलो इधर, वो गलत ना समझ, ये शो हमने आपके लिए ही बनाया जी। अगर शफात को सियासत में आने का शौक हो गया, क्योंकि हमें खबर मिली है कि है भी भाई को सियासत में आने का शौक, तो आपका इस पे ओके होगा या नहीं है? चांस मिलता है तो चांस लेना पड़ेगा, ये तो खुद का ऑफर हुई, बाज़ाब्ता ऑफर हुई, ओके, टू जॉइन दो बड़ी सियासी पार्टी, अच्छा, दो बड़ी सियासी जमातों की तरफ से। कौन सी सियासी जमात थी वो? थी आदर, तो ऑफर उन्होंने की, खुल के की होगी उन्होंने, कौन सा? नहीं, खुल के नहीं की, छुप के ऑफर हुई थी। अच्छा, छुप के, और वो ऑफर थी मीडिया सेल में शामिल होने, शामिल होने, ओके। तो वो आजकल मीडिया का गेम, यार आप जो है ना नैरेटिव स्पिन करें थोड़ा, वो ज़्यादा हर जमात की मजबूरी है, पीटीआई की मजबूरी है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो अच्छी चीज है। Were you interested या आपको लगा कि नहीं यार ये पैसे बड़े अच्छे थे, बट अच्छा। मैंने कहा यार ये मेरा करियर सुसाइड हो, I did not choose and I'm not sorry for it. But what about as a politician, someday do you think? मेरे ख्याल में you don't become a politician overnight. ये इसमें आपकी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, पर एक इंटरेस्ट लेवल तो होना ही चाहिए, मतलब वो तो अगर होगा तो ही आप इस साइड पे जाओगे। बाय चांस तो मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिशियन बनेगा। मैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस खान साहब आपको बनाने का मूड है तो उसका मैं मिनिस्टर बनूंगा। यार ये मैं गारंटी, बहुत खूबसूरत बात की, अगर मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बने तो आई थिंक मैं भाई को 5-6 वोट डालूंगा, सारी उंगलियों से मैं वोट। बैठे रहे ये निशान पे ऐसे करके मेरे भी 10 वोट मिलेंगे। यू आर अ वंडरफुल गाय, नॉट जस्ट फनी, आई थिंक आपकी बातों में डेप्थ है, आपकी बातों में वो क्लास है, जो आई थिंक आप कितना भी एंटरटेन करते रहो, देखने वाला थकेगा नहीं। यू आर इमेंसली टैलेंटेड शफात, दिस इज फ्रॉम द हार्ट एंड आई रियली रियली वांट टू सी यू टचिंग हाइट्स, कि आप इंशाल्लाह आप बुलंदियाँ छूते जाओ बिकॉज आप में जितना टैलेंट है आप डिजर्व करते हो। डॉक्टर साहिबा, अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ही तरोताज़ा रखें, और ऐसे ही मेरे भाई को ऐसा ही रखें जैसे ये है। एंड उसके अलावा आज शफात की बर्थडे है और कल जो दिन गुजरा है उस दिन के बेटे की बर्थडे। वाह मैन, हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू द लिटिल वन। ही इज, आई होप दैट ही इज एज टैलेंटेड एज यू बोथ आर। Amazing guy. आपको मेरी तरफ से happy to you. Thank you very much. बहुत और आपने जिन अल्फाज का इंतखाब किया है मेरे लिए, मैं समझता हूँ मैं काबिल हूँ, लेकिन चले फिर भी, लेकिन आपने जितना भी इस्तेमाल किया मैं बहुत मशकूर हूँ सर, एंड ऑनेस्टली तो ऑन अ लाइटर साइड था, लेकिन बिल्कुल भी मैं इसके काबिल हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। कोशिश कर रहे हैं कि टॉलरेंस और पॉलिटिकल नैरेटिव की टॉलरेंस का एक कल्चर आए, और अल्लाह करे कि जल्द आए। बहुत इंटॉलरेंस बढ़ गई है और इंशाल्लाह लोगों में बहुत ज्यादा
शिद्दत आ गई है, हर चीज एक इशू बन जाती है। ऐसा ही है, थैली हवा में उड़ रही है, लोग इस पे जंगे करना शुरू कर, बिल्कुल चार बंदे ट्वीट करेंगे, चार बंदे उसके जवाब में पोस्ट करेंगे, एक रेस शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव हम नहीं रहते, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है हमारी कोई भी सोच, हर चीज में हम नेगेटिव पॉइंट ज्यादा रेस करते हैं। ऐसा ही है, आई एग्री। एक जमाने में खाने ना घरों के मतलब दस्तखान की हद तक रहते थे, अब खाने बाकायदा सोशल मीडिया पे जंगे बनती हैं। जी 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 जी। बिरयानी में आलू होना चाहिए, प्रॉपर डिबेट रही है यार। We all know this। और लोग इस पे मतलब बड़े ताल्लुकात खराब कर लिए। बिल्कुल, मैंने मीम देखा था, इनफैक्ट मैंने वो शेयर कर दिया, वो ये कैसी बात है देखो कि बिरयानी और आलू और तो आई सेड के यू नो विदाउट आलू बिरयानी नहीं होती टाइप मैंने कुछ कर दिया, जिस पे 15 मैसेजेस आ गए कि आप किस किस्म के, आपको तुम बड़ा प्यार करते थे, आप बिरयानी में आलू कैसे खा सकते हैं। मैं कोई या अल्लाह, इन लोगों के पास और कुछ नहीं है दुनिया में। ये तो चले एक चीज है ना, कोई भी मिसाल, एक साहब है हमारे दफ्तर में, वो बहुत मतलब वसी और रीस किस्म का पान खाते हैं, मतलब वो नॉर्मल वो ग्लोरी वसी और रीस किस्म का पान, उसमें प्लॉटिंग हो सकती है मुझे लगता है प्रॉपर इतना बड़ा। मैंने उनसे कहा भाई जन थोड़ा हल्का हाथ रखा, वो मेरी ये रवायत है, मेरी दादी अपने जहेज में पान लाई थी, पान दान लाई थी, उनके बाद से मेरी वालदा को मिला और अब ये है मेरे पास पड़ा हुआ है। इतनी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन मेरी पहली दफा हुई है आप दोनों से, एक हमने डिजिटल कैंपेन के लिए साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, वो एक हमारी एक इंटरेक्शन थी। इट वाज लवली हैविंग यू गाइस ऑन द शो। एक मैसेज जो आप सारे व्यूअर्स को देना चाहें, पहले तो हम आप लोगों के एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, यू गाइस अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छे लगे, तारीफ करने का फौरन ही फायदा, फौरन जवाब। वेरी ऑनेस्ट, मेरे ये कपल शो है तो मैं बहुत कपल से मिल रहा हूँ रोज बर रोज, पर आप लोग मुझे बहुत पॉजिटिव लगे और आई रियली विश कि मैं और हिना भी इतना ही इंजॉय करें एक साथ लाइफ को जितना आप लोगों को मैं देख रहा हूँ। Bless you and stay like this, stay happy. Thank you so much for coming again. Thank you. छोटे को मेरा बहुत बहुत प्यार. The next time we'll call him as well on the show. और कुछ रहो. I see him in your both most of the times. Yes. ऐसे ही रखो. ऐसे ही होना चाहिए. So may God bless you. Thank you so much. Thank you so much, bro. Thank you. इतना मजे का शो हुआ. Thank you so much, Doctor Saiba. ऐसे ही कॉन्फिडेंस को जबरदस्त रखे. अगले हफ्ते हम लौट के आएंगे, तब तक हमारा इंतजार कीजिएगा और देखना मत भूलिएगा योर वेरी फेवरेट द कपल शो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।